तो भाई अक्षय कुमार न्यू मूवी सेल्फी थिएटर में रिलीज हो चुकी है और ये भी एक रीमेक है मलयालम मूवी ड्राइविंग लाइसेंस का। और बॉलीवुड तो भाई रुक ही नहीं रहा है, रिमेक्स के ऊपर रिमेक्स बना ही रहा है। और क्या पता कौन सा नशा कर रहा है बॉलीवुड, इनको लग रहा है हम रिमेक्स बनाएंगे और हिट हो जाएंगे, क्योंकि सेल्फी ने अपने डेवन के कलेक्शन में सिर्फ 2.5 करोड़ कमाए और ये नंबर बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इसमें ऐसे वैसे एक्टर्स नहीं है। अगर हम सेल्फी मूवी की बात करें तो स्टोरी तो बहुत सिंपल है। एक एक्टर है करोल अक्षय कुमार ने किया है, इनको अपने मूवी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है और जो पुलिस ऑफिसर इनका टेस्ट लेता है वो इनका बहुत बड़ा फैन होता है, लेकिन फिर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और उसके ऊपर पूरी मूवी चलती है। देखो जिन्होंने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है उनके लिए काफी फ्रेश कॉन्सेप्ट है, और जो ओरिजिनल लाइक कर सीधा रीमेक देखने जाएंगे उनको सेल्फी मूवी ठीक ठाक एंटरटेन भी करती है, लेकिन फिर भी मूवी फ्लॉप हो जाएगी क्योंकि इस मूवी का बजट जो है 100 करोड़ के आसपास है और सेल्फी का 100 करोड़ कमा पाना ये तो भाई नामुमकिन सा लग रहा है। इसके वजह से अक्षय कुमार की ये मूवी भी फ्लॉप हो जाएगी। वो सीधी से बात, अगर ज्यादा रीमेक आप बनाएंगे तो ऑडियंस भी आपसे कंटाल जाएगी, और आजकल की ऑडियंस भी बहुत शानी है। जब भी कोई मूवी रिलीज होती है सबसे पहले चेक करते हैं किसी का रीमेक है या फिर नहीं, इसलिए अगर आप कोई रीमेक बनाते हैं तो थोड़ा तो चेंज चाहिए। आप पूरा ही कॉपी पेस्ट कर देंगे तो भाई चलेगा नहीं, और बॉलीवुड को ऐसे मेहनत करनी ही नहीं है। हमें कुछ नया देखने को मिल ही नहीं रहा है, कुछ नया सोचो और कुछ नया करो ये तो बॉलीवुड भूल ही गया है। अब रीमेक बनाना और पैसा कमाओ जमाना चला गया, अब ऑडियंस डिसाइड करेगी मूवी हिट होगी या फिर नहीं। और अक्षय कुमार का क्या फ्यूचर अभी पता नहीं चल रहा, क्योंकि इनके बैक टू बैक मूवी फ्लॉप हो रही है। थी तो आ रही लेकिन उससे भी एक्सपेक्टेशन लो है, क्योंकि उसको डायरेक्ट कर रहे फरहत समझी, तो अब समझिए मूवी कैसी होगी। तो बस ये बात करनी थी आपसे, अगर आपने सेल्फी देखी होगी आपको कैसी लगी, आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।